नई वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं फॉर्च्यूनर और रेंज रोवर का क्रैश टेस्ट। इसमें बहुत मजा आएगा, उस साइड करेंगे और लैम्बोर्गिनी के साथ करेंगे, ठीक है। मतलब लैम्बोर्गिनी को ज़्यादा कौन तोड़ता है और ज़्यादा कौन टूटता है। पैसे तो करीबन उतने रेंज रोवर के बहुत ज़्यादा है। रेंज रोवर का कोड है 6666। दोनों गाड़ियाँ दिखती भी एक जैसी है, रेंज रोवर भी एक जैसी दिखती है, और फॉर्च्यूनर का कोड है 01000। दोनों गाड़ी दिखती तो एक जैसी है, लेकिन रेंज रोवर थोड़ी ऊंची है और पैसे में भी रेंज रोवर ज़्यादा है। इंडिया में फॉर्च्यूनर काफ़ी पॉपुलर है, टाटा कंपनी की है, रेंज रोवर टाटा की है। तो और ये फर्क भी दिख रहा है थोड़ा बहुत। सबसे पहले हम आपके सामने दो लैम्बोर्गिनीज रख देते हैं ताकि अच्छे से क्रैश टेस्ट हो सके। तो सबसे पहले चलते हैं वहाँ पे दूर थोड़ा। लैम्बोर्गिनी का कोड है 3333। चलो यहाँ पर रखते हैं एक तो 3333। ये लैम्बोर्गिनी आ गई एक इस साइड रेंज रोवर के लिए, और ये इस साइड है फॉर्च्यूनर। तो चलते हैं गाड़ी, इसको स्टार्ट करते हैं। पहले आई गई फॉर्च्यूनर की बारी। वहाँ पे केटीएम पड़ी हमारी, गिर गई। चलो फॉर्च्यूनर के अंदर बैठते हैं अभी। अंदर कुछ फॉर्च्यूनर अंदर से कुछ ऐसी दिखती है। अभी तो बाहर वाला कर देते कैमरा, और हम अभी फॉर्च्यूनर को ठोकते हैं। और यहाँ पे फॉर्च्यूनर को ज़्यादा तो कोई ज़्यादा डैमेज तो नहीं दिया फॉर्च्यूनर ने। उतर के देखते हैं, उतर के देखा ना हमने तब। फॉर्च्यूनर तो क्रैश बिल्कुल नहीं होती, लेकिन लैम्बोर्गिनी को उल्टा कर दिया था, कांच वाच ये वगैरह तोड़ दिए थे। यार ये सही से नहीं हुआ यार, वापस करते हैं फॉर्च्यूनर का। सही से नहीं हुआ क्योंकि गाड़ी स्पीड में भी नहीं आ पाई, तो उनको थोड़ा दूर करके करते हैं। सुबह को गाड़ी मंगाते हैं, बुलेट आ गई है। अभी हम बुलेट में बैठ के थोड़ा दूर चलते हैं, उसके बाद है ना वहाँ पर लैम्बोर्गिनी स्पॉन करेंगे। तो मैं बुलेट पर बैठ क्यों नहीं पा रहा हूँ, होंगे कारण मेंटेनेंस के। अरे यार फॉर्च्यूनर से ही चलते ना यार, समझ में ही नहीं आता। चलो बैठते हैं फॉर्च्यूनर के अंदर उस साइड से जल्दी से, वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाएगा वरना। चलो बैठते हैं और स्टार्ट करते हैं फॉर्च्यूनर को। वहाँ पे चलते हैं सामने वाले रूम में। स्पीड भी फॉर्च्यूनर की ठीक है। एक और चीज़ बताऊं, गाड़ियों को सबसे ज़्यादा क्रैश इंसान करता है। इंसान से अगर आप कोई भी गाड़ी टकराओगे वो गाड़ी बहुत ज़्यादा क्रैश हो जाएगी सबसे ज़्यादा। ये जगह ठीक है, यहाँ पे हम लगते हैं फॉर्च्यूनर और लैम्बोर्गिनी एक बार और कैसी। तो सही से नहीं होता ये, यहाँ पे एक लैम्बोर्गिनी और दूसरी थोड़ी उस साइड रखते हैं ताकि मतलब पता चल सके कि हाँ ये एक और लैम्बोर्गिनी है और टूटे ना, वरना दोनों टकरा के टूट जाएगी पास पास होने। अभी सबसे पहले चलते हैं फॉर्च्यूनर के पास और फॉर्च्यूनर को दूर से ला के एक में ठोकते हैं। हमने अभी गाड़ी के अंदर जाना शुरू कर दिया। चलते गाड़ी को उल्टा करो, ये इंसान ये देखो टैंकर क्रैश हो जाती है इंसान के सामने। अभी देख लो गाड़ी पूरी क्रैश हो चुकी है, आगे से डिक्की वगैरह सब खुल चुके हैं, सिर्फ एक इंसान से टकरा के। गाड़ी भी चेंज करनी पड़ेगी वापस, स्टार्ट यहाँ से करेंगे, यहाँ से। अब वो रेंज रोवर भी गम गई गई हुई, उतरते हैं वापस, मंगाते हैं फॉर्च्यूनर को। ये वाली पूरी टूट चुकी है, पता नहीं चलेगा ये सही है या गलत है। अभी बैठते हैं फॉर्च्यूनर के अंदर, स्पीड करके चलते हैं सीधा आगे से मोड़ के। अब चलते हैं सीधा सामने। कहाँ है यार, आई थिंक नहीं हो पाएगा गाइस क्रैश टेस्ट हमारा, लेकिन करके तो रहेंगे। फिर
हो रहा है, इसको यहीं पे स्पॉन करते, थोड़ा दूर से आके आते हैं, जैसा भी होगा देखा जाए। यहाँ पे ये लैम्बोर्गिनी स्पॉन कर दिया हमने, जल्दी से चलते हैं अपनी फॉर्च्यूनर में, वीडियो काफ़ी बड़ा बन रहा है, फिर डाटा जाएगा बहुत ज़्यादा मेरा तो। चलो दूर चलते, थोड़ा ज़्यादा नहीं जाएंगे, दिखना बंद हो जाएगी। अभी हम चलते हैं, इसको ठोका, ये देख सकते हो फॉर्च्यूनर तो भाई पूरी गई, पूरी टूट गई है पूरी, पीछे के दरवाजे गए, आगे से डिक्की नहीं, हाँ डिक्की खड़ी गई है, और वो दरवाजा ड्राइविंग सीट वाला भी गया, पीछे से डिक्की भी गई हुई है, हाँ ठीक है, खुली हुई है, मतलब गाड़ी काफ़ी डैमेज है। और यहाँ पे लैम्बोर्गिनी तो भाई दोनों दरवाजे तोड़ दिए लैम्बोर्गिनी के, और क्या है, और आगे से भी तोड़ दे पूरे, काफ़ी तगड़ा डैमेज दिया है फॉर्च्यूनर ने लैम्बोर्गिनी को। अब बारी है रेंज रोवर की, रेंज रोवर, और ये लैम्बोर्गिनी और हमारी रेंज रोवर, लेकिन फॉर्च्यूनर टूट बहुत ज़्यादा गई है, रेंज रोवर इतनी नहीं टूटेगी, फॉर्च्यूनर बहुत ज़्यादा टूट भी गई है, डैमेज भी काफ़ी तगड़ा दिया है, लेकिन टूट भी काफ़ी ज़्यादा गई है, देखेंगे वो तो रेंज रोवर कितना डैमेज देगी। और अगर आप रेंज रोवर लवर हो या फॉर्च्यूनर लवर हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है NSC गेमिंग को। और बीच में काफ़ी दिन ऑफलाइन रहा था उसके लिए सॉरी यार। और यहाँ पे लगता है फॉर्च्यूनर जीत चुकी है, यहाँ पे रेंज रोवर के आगे से उड़ चुका है लाइट वाला, और इसने भी बराबर ही डैमेज दिया, देख तो नहीं इतना भी नहीं दिया, एक दरवाजे टूटा है बस, और यहाँ पे गाड़ी भी कम ही टूटी है, तो मुझे लगता है कांच वगैरह दरवाजे वगैरह ज़्यादा नहीं गए, तो मुझे लगता है शायद तक दोनों बराबर ही है। तो आप कमेंट में बताना कौन ज़्यादा बेस्ट है, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। थैंक यू गाइस।